मतलब गाइज वेलकम बैक टू अनदर फिट मसल टीवी वीडियो। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट एक जनरल पब्लिक के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, और उसके बाद सेकंड पार्ट जो रहेगा इस वीडियो का, उसमें आपको बताऊंगा कि वर्कआउट करते समय जब आप लेग्स मारते हैं और लेग्स की पोटेंशियल को मैक्सिमम कैसे रीच कर सकते हैं और इंजरी फ्री कैसे रह सकते हैं। अभी आज की डेट में मैक्सिमम इंजरीज जो होती है अपने को लोअर बैक की इंजरीज होती है। जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे आपकी बॉडी की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बैठे ज़मीन पर, अब आप बुढ़े लोगों को देखिए उठने में बहुत दिक्कत होती है उनको, लाइक अगर वो बैठे हुए तो उठ नहीं सकते, बहुत दिक्कत होती है। आप यंग लोगों को देखें फटाक से उठ जाएंगे, क्यों? क्योंकि अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जो कनेक्ट करती है बीच की मसल, वो है लोअर बैक की मसल और कोर की मसल, जो कि वीक हो जाती है। उसका वीक होने का सबसे नंबर वन रीज़न है आज की डेट में एक्सेसिव सिटिंग। अगर आप आज से 100 साल पहले हमारा लाइफस्टाइल देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल था। सुबह उठने से लेके रात को बिस्तर पे जाने तक हर काम आप बैठ के ज़मीन पे, भूमि पे करते थे। सुबह उठते ही पानी पीना खाली पेट नीचे बैठ के, सुबह उठते ही अगर आप वॉशरूम जाते हैं, हल्के होते हैं, पॉटी जाते हैं, तो आप नीचे बैठ के फुल स्क्वाट करके जाते थे। हम लोग भी जब छोटे थे तकरीबन 6वीं 7वीं तक हमारे घर में भी इंडियन स्टाइल था, अब सबके घर पर वेस्टर्न स्टाइल हो गया। आप नाश्ता करते हैं, खाना करते हैं, बैठ के करते हैं। आपके घर में मेहमान आ गए, आप नीचे दरी बिछा के सब लोग बैठ गए। शादियों में जाएंगे वहाँ पे भी खाना दरी पे होता था। स्कूलों में, पाठशाला में अगर जाते थे लोग, गुरुकुल में जाते थे बच्चे पढ़ने, ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे सारा काम। मुंशी लोग, ऑफिस में काम होता था, आप देखेंगे मुंशी होता था, उसकी छोटी सी डेस्क होती थी, ज़मींदार की छोटी सी डेस्क होती थी, सारा काम नीचे बैठ के होता था। नीचे बैठ के होता था, उससे फ़ायदा क्या होता है? जो आपकी ग्लूट मसल है, मतलब कि आपकी ये जो मसल है, ये आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बिगेस्ट मसल होती है। अब बहुत लोग बोलेंगे बिगेस्ट नहीं होती भाई, बिगेस्ट लेग्स होती है। मेरा कहने का सेंस क्या है, सिंगल लार्जेस्ट मसल, क्योंकि जो ग्लूट मसल होती है वो पूरी एक सिंगल मसल होती है, उसमें कोई अटैचमेंट या बाइफर्केशन नहीं होता। क्वाड्रिसेप्स, टेक्निकल नेम क्वाड्रिसेप्स, इसकी चार मसल होती है। तभी क्वाड मीन्स फोर, इनर, आउटर, फिर आउट, यहाँ पे आउटर और फिर बाहर का अटैचमेंट। बाइसेप्स, दो मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्राई, तीन मसल का अटैचमेंट होता है। तो सारी मसल्स होती है ना, बहुत सारी मसल्स मिलके अटैचमेंट से बनती है, बट ग्लूट इसीलिए बोलते हैं सिंगल लार्जेस्ट मसल है और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। और हम लोग इसको इतना डॉर्मेंट रखते हैं, मतलब इसको इतना ज़्यादा इनएक्टिव कर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब आप एज करते हैं, स्कूल में खेलते हैं, खूलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ग्लूट हमेशा एक्टिव रहती है। बट जब आप बड़े हो जाते हैं, जॉब लग जाती है, सुबह उठे, उठते ही सोफे पे बैठ गए, खाना खाने के लिए, नाश्ता के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, ऑफिस जाना है कार में बैठ गए, ऑफिस की डेस्क पे बैठ गए, घर आए दोबारा बैठ गए सोफे पे, टीवी देख रहे हैं, फिर सो गए, आपने नीचे बैठना छोड़ ही दिया भाई साहब, तो आपकी जो ग्लूट मसल है डॉर्मेंट स्टेज में पहुंच जाती, मतलब इसके जो मसल फाइबर्स हैं वो फायर नहीं करते, आपको यहाँ से एनर्जी नहीं मिलती। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल मसल आपकी बन जाती है। तो आपकी ग्लूट मसल पहुंच जाती है डॉर्मेंट स्टेज में, मतलब कि इसने काम करना बंद कर दिया, आपने इससे काम लेना बंद कर दिया है। अब क्या होता है, बाकी जो भी काम होता है फिर वो सारा लोड लोअर बैक पर आ जाता है। अपर हिप जहाँ पे अटैचमेंट होती है हिप्स की और लोअर बैक की, वहाँ पे सारा आने लगता है। और आप देखेंगे सो के उठते हैं कमर अकड़ी हुई है, नीचे बैठ के ऊपर नहीं उठ पा रहे, कमर अकड़ी हुई है। हर पोजीशन में ड्राइविंग कर रहे, दो दो घंटा लॉन्ग ड्राइव जा रहे दोस्तों के साथ बैठ के, कमर अकड़ी हुई है। हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया, लैपटॉप पे बैठे हुए बैठे बैठे कमर अकड़ गई, बैक की प्रॉब्लम हो गई, फिर बैक के लिए बेल्ट लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने तब सीखी जब मुझे खुद को बैक इंजरी, मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया कि यार मैं तो डेडलिफ्ट मारता हूँ, स्क्वाट मारता हूँ, 15 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, एक्टिवली वर्कआउट कर रहा हूँ, तो साला मुझे, मैं हैरान हो गया मुझे बैक की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तब जाना कि ये आपका जो लाइफस्टाइल है, बैठने का लाइफस्टाइल है। और मैंने देखा, मैंने कहा कि यार पिछले 1-2 साल में मैंने, मेरी लाइफ में चेंज क्या हुआ, इतनी दिक्कत कैसे हो गई पहले। देन आई रियलाइज, जब से मैं यूट्यूब पे फुल टाइम आया हूँ ना, बैठ के एडिटिंग करता हूँ ना, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया मेरा। तो मेरे भी ग्लूट्स डॉर्मेंट पहुँच गई हैं। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि ग्लूट्स को आप डॉर्मेंट से एक्टिव स्टेज में कैसे ला सकते हैं, और जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए क्या है इस वीडियो में। बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो वो लेग प्रेस मारते हैं तो लेग प्रेस मारते हुए उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और स्क्वाट मारते हुए उनको स्ट्रेंथ फील नहीं होती, क्या वो मज़ा नहीं आ रहा स्क्वाट मारते हुए, क्योंकि जब आप स्क्वाट मारते हैं आपकी ग्लूट्स को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है, आप नीचे जाते हैं। तो बहुत लोग ना बस यहीं तक नीचे जाते हैं, लोग बोलते हैं पूरा स्क्वाट मारो, पूरा स्क्वाट मारो, वो मारना भी चाहते हैं लेकिन उनकी ग्लूट्स इतने सालों से इनएक्टिव पड़ी हुई है कि इसके नीचे जाने के लिए आपको ग्लूट्स का एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो
ये जो है ना, ये पोर्शन बहुत ज़रूरी है। ग्लूट्स अगर नहीं खुले होंगे आप नीचे नहीं जा पाएंगे, लेकिन लेग प्रेस में उतना नीचे लोग नहीं आते, क्वाड डोमिनेंट होते हैं और ग्लूट डोरमेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। डोमिनेंट मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रांग मसल है, डोरमेंट मतलब वो तो अब काम ही नहीं कर रही। सो ग्लूट डोमिनेंट एंड क्वाड डोरमेंट, तो बहुत लोगों को होता है जो अच्छी स्क्वाट मारते हैं जिनकी ग्लूट डोमिनेंट होती है। आपने देखा को रॉनी कॉलमैन है, उसकी ग्लूट अटैचमेंट यहाँ तक पहुँचती है, नेचुरली स्ट्रांग ग्लूट है, उन लोगों को दिक्कत नहीं आती। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, 85% लोगों की ग्लूट डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेज में पहुँच जाती है। अब उनको क्या करना चाहिए? स्क्वाट मारते हैं, लेग्स मारते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, उसके बाद भी इंजरी हो गई, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मेरी भी ग्लूट डोरमेंट स्टेज में। पहले मैं आपको कुछ बेसिक वार्मअप और स्ट्रेचिंग बताऊंगा ग्लूट्स की, और फिर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी लेग्स नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगी और आपकी ग्लूट्स भी धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि माय प्रोटीन की बहुत ही जल्द आने वाली है क्रिसमस सेल, और इस बार जो नए फ्लेवर हमने लॉन्च किए हैं क्लियर वे के। क्लियर वे का यूज़ क्या है, बहुत लोगों को वे प्रोटीन नहीं जमता, उनको ब्लोटिंग हो जाती है, और भी ज़्यादा लोगों को अब होने लगी है। जो लोग दूध पीना प्रेफर नहीं करते, ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक टी पीते, उनके लिए क्लियर वे बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी ये वे प्रोटीन जैसा नहीं है, जैसे आप पीते ना रसना पीते ना या बीस लेवल पीते ना, बिल्कुल वाटरी होता है और आपको बहुत फ्लेवर अच्छा लगेगा। पानी में क्या कर सकते हैं आप, 1/4 स्कूप पानी में डाल लीजिए, फ्लेवर्ड वाटर हो जाएगा आपका। एक तरीके से आपको न्यूट्रिशन भी है, पूरी कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल भी है, और आपको अमेजिंग टेस्ट लगेगा। तो बहुत सारे फ्लेवर्स अभी नए लॉन्च हो रहे हैं, कुछ हो भी चुके हैं, सो कीप एन आई ऑन द माय प्रोटीन वेबसाइट फॉर क्लियर वे। अभी आते हैं ग्लूट्स खोलने के लिए। ग्लूट्स खोलने के लिए बेस्ट है अगर आपके पास भैया टाइम ही नहीं है, जिम जाने का टाइम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी है, नीचे बैठ के खाना खाएं, नीचे बैठ लें, सुबह उठते ही नीचे बैठ के पानी पिए, ये बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपके ग्लूट्स को खोलती है। इसको नीचे दबाएं। अगर आप योगा पोजीशन में ऐसे बैठ सकते हैं, दो पैर तो मैं भी ऊपर नहीं कर पाता, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी कम्फर्ट, आप खुद ही फील करेंगे ये आपके ग्लूट्स स्ट्रेच हो गए। दूसरी चीज़, आप इसको ऐसे पकड़ के, जितना भी आपकी टांग है, इन सब के लिए आपको जिम आने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको नीचे प्रेस करिए, ग्लूट्स खोलिए, हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होंगी, आपकी ग्लूट्स भी खुलेंगी। अब जब आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, मेक श्योर आप स्क्वाट लगाने से पहले ग्लूट्स खोल लें। बहुत ही बेसिक कुछ एक्सरसाइजेज हैं। आपने लेटना है, एक टांग को रखना है यहाँ पे और इसको ऊपर खींचना है, तो ये मसल आपकी ना यहाँ से ये बहुत ज़्यादा खींचेगी आपकी। ये किया आपने, ये पूरी खींच जाएगी, इसको चेस्ट के पास इतना ला सकते हैं, होल्ड 5 सेकंड्स, रिलीज। उसके बाद आपने क्या करना है, कैट कैमल पोज कर लीजिए, ठीक है ना, लोअर बैक खुल जाएगी। उसके बाद ग्लूट को आपने एक्सटेंड करना है, 10 रेप्स मारने हैं आपने, दूसरी टांग से 10 रेप मारिए, ऊपर 1 सेकंड का होल्ड। ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए था, इसके पहले वाली आपकी एक्सटेंशन के लिए थी। उसके बाद आपने क्या करना है, चेस्ट पे लगानी अपने टांग, इसका एक सेट मार लीजिए, और उसके बाद आपने लंजेस मारने, लंजेस। वर्कआउट कंप्लीट हो गया आपका, सॉरी वार्म अप कंप्लीट हो गया, फिर आप मार लीजिए वाइड स्टैंड रख के स्क्वाट मारिए, ये बेस्ट वार्म अप है, इससे आपकी लेग्स भी वार्म अप हो जाएंगी, जितना नीचे जा सकते हैं। अब आती है मेन चीज़ जो मैंने रिसेंटली ट्राई करना शुरू की है, स्क्वाट में वेट नहीं लग रहा है, लेग प्रेस में स्टड बने हुए हो, 5-5 प्लेट, 6-6 प्लेट, जिम की प्लेटें ख़त्म कर दी, डंबल लगा दिए, अब देखो इंस्टाग्राम में ऊपर बंदे बिठा लिए फिर भी मज़े नहीं आ रहे, वही लोग स्क्वाट मारने आते हैं, उनसे 2 प्लेट ढंग से नहीं लगती, वो स्क्वाट ऐसे मारते हैं इतना खाली। आप पहले वेटेड लंजेस लगाएंगे, मतलब कि डंबल पकड़ के, ये होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तीन सेट लंजेस के लगाइए वेट इंक्रीज करके, आपकी ग्लूट्स जाएंगी खुल। उसके बाद आप स्क्वाट लगाओ और आपको जो डिफरेंस लगेगा ना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस लगेगा, पूरा नीचे जा पाओगे, लोअर बैक की इंजरी कभी नहीं होगी आपको, टचवुड, दूर रहने से जितना उतना अच्छा है, क्योंकि अब जो मेजर लोड है ना, आपकी ग्लूट्स खुल चुकी है, ग्लूट्स ने वेट लेना स्टार्ट कर दिया है। ग्लूट्स अगर वेट नहीं लेती तो
तो यही वेट आपका लोअर बैक यहाँ पे लेती है वो, और आपको लोअर बैक की इंजरी शुरू हो जाती है। अब देखो यार, तुम्हारी बॉडी सोचेगी ये मसल तो इनएक्टिव पड़ी है, वेट तुम उठा रहे हो, एक्सरसाइज तुम कर रहे हो, तो ये सेकेंडरी मसल किक इन हो जाती है। ये प्राइमरी मसल है उस मूवमेंट के लिए, वो डोरमेंट है, तो सेकेंडरी मसल किक इन हो जाएगी आपकी कमर। फिर आपको दिक्कत क्या होगी, ये ओवर वर्क हो जाएगी क्योंकि उतनी बड़ी है नहीं, उतना लोड ले नहीं सकती, अकड़ना शुरू। मसल अकड़ती मतलब कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन, जो ऐसी कर्व पोजीशन है ना, उसको छोड़ के वो सीधी जाती है, और वो अकड़ने का साइन है कि इट नीड्स मोर रेस्ट। आप उसको ओवर वर्क कर रहे हैं, ये साइन है, तो साइंस आपने पकड़ने हैं। ग्लूट को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आप देखेंगे, आप किसी भी डॉक्टर से बात करिए, जो स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, उनसे बात करिए, वो बोलेंगे ग्लूट्स बहुत लोगों में डोरमेंट स्टेज में चली जाती है, उस लोग उसका काम, उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। तो ट्राई दिस, ग्लूट का एक्टिवेशन करिए, आप 2 महीने तक कुछ ना करिए, लंजेस से अपना लेग वर्कआउट स्टार्ट करिए, और आपको फ़र्क बहुत ही ज़्यादा और जल्दी दिखने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखें और अपने सजेशंस देते रहें कि आपको क्या दिक्कत आती है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फंक्शनल ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने अब स्पोर्ट्स थोड़ा ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया। बहुत लोग जिम में गलतियाँ करते हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, रिसेंटली अभी फीफा हुआ था, वो लोग जिम में आके नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग वाले वर्कआउट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आप वो करेंगे, आप अपना करियर स्पोर्ट्स में डिस्ट्रॉय कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फंक्शनल ट्रेनिंग। कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब करें, प्यार देते रहें, एंड मेरी क्रिसमस आपको। थैंक यू।